हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिना चीनी, बिना मावा, बिना चाशनी ये हेल्दी और सुपर टेस्टी मखाना गोंद पाक या मखाना गोंद बर्फी बनाएंगे। कोविड के समय हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 100 ग्राम गोंद लेंगे। गोंद को आप दो तरीके से फुला सकते हैं, एक घी डालकर और एक बिना घी डाले। तो अभी हम इसे बिना घी डाले फुलाएंगे। गैस ऑन करके पैन को हमने गरम कर लिया है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। इसमें हम आधा गोंद डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि गोंद फूल गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी की गोंद को डालकर फुला लेंगे। तो गोंद को हमने फुला लिया है। अब हम सेम पैन में एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी के मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मखाना और इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो मखाने को हम लगातार चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। तो 4 से 5 मिनट मखाने को हमने लगातार चलाते हुए फ्राई कर लिया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और सेम इसी पैन में एक बड़ा चम्मच घी और डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बादाम बारीक कटी हुई, 1/4 कप काजू बारीक कटे हुए, 1/4 कप मगज के बीज। तीनों को हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। काजू और बादाम को आप बिना काटे भी डायरेक्ट फ्राई करके भी मिक्सी में हल्का दरदरा पीस सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप किशमिश, 1/2 कप ड्राई कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर की जगह आप इसमें नारियल के गोले को पीस कर भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट इसे और लो फ्लेम पर भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे और भून लिया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम पैन में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आटे को अब हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। तो आटा हमें थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो हम 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे और लो फ्लेम पर आटे को हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है। तो आटे को हम लगातार चलाते रहेंगे। तो आटे को भी हम भूनते जाएंगे और साथ साथ बाकी की तैयारी करेंगे। तो मखाने को हम मिक्सी जार में डालेंगे, साथ में 1/4 कप जितना गोंद बचाकर बाकी के गोंद को भी इसी में डालेंगे और इसे हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो इस प्रकार से हमने इसे पीस लिया है, तो अब हम इसे अलग रखेंगे। आटे को भी हम चलाते रहेंगे। आटे को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। जितना अच्छे से हम आटे को भूनेंगे, उतनी ही टेस्टी ये बर्फी या पाक बनेगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आटे पर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में निकालेंगे, जिससे सभी को मिलाना आसान रहेगा। तो इसी में हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, साथ में गोंद और मखाने जो हमने पीस कर रखे थे उसे डालेंगे। बचा हुआ गोंद भी इसी में मिला देंगे और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम सेम पैन में 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे
और अब हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम गुड़। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर लिया है, तो गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे और गुड़ के घुलने तक इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें यहाँ पर गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, केवल गुड़ को घुलने तक ही वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से घुल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। काली मिर्च पाउडर और जिंजर पाउडर को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर ठंड में चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, तो आप इसे डालकर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम चाशनी को ड्राई मिश्रण में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें सभी काम जल्दी जल्दी करना है, मिश्रण को ठंडा नहीं करना है। मिश्रण को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे एक थाली में सेट करेंगे। तो इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर देंगे। आप चाहें तो सेम मिश्रण से लड्डू भी बना सकते हैं, पर हमें हल्के गर्म में ही लड्डू बनाना है या बर्फी को सेट करना है। तो सेट करने के बाद तुरंत हम इसमें कट लगा देंगे। तेज ठंड होने के कारण इसे सेट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। कट लगाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट बाद इसे निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद ये पाक बनकर तैयार होता है। ठंड के दिनों में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।